Good morning, students. Today we will study from your book Woman World section of short stories. And today we will study short story number 6, The Third and Final Continent by Jhumpa Lahiri, who was born in 1967. And she was an Indian Bengali born in London. And presently she is living in New York with her husband and son. And in addition to her stories from her collection, this above story, The Third and Final Continent, is taken from the collection of his stories, Interpreter of Memories, in 1999. And this story was the bestseller in USA and elsewhere. And she received Pulitzer Award and many other awards for her work, which she has translated in 29 languages. उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे जो कि उन्होंने 29 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए थे. एंड द स्टोरीज, द बेसिक थीम ऑफ द जुम्पा लहिरी स्टोरीज आर बेस्ड ऑन और रिवॉल्व अराउंड द लाइव्स ऑफ इंडियन इन डायस्पोरिक सिचुएशन. डायस्पोरिक सिचुएशन मींस द पीपल हु आर लिविंग इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, बट द ओरिजिन, द रूट्स, द बर्थ ऑफ द पीपल आर डिफरेंट. किसी और देश में जन्मे हुए लोग जो किसी और जगह रहकर जाकर रहते हैं. एंड दैट इज द मीनिंग, द लिविंग इंडियन लिविंग अब्रॉड, ब्रॉट अप इन ट्रेडिशनल इंडिया एंड एंड एनकाउंटरिंग द बैफलिंग न्यू वर्ल्ड. बैफलिंग इज कंफ्यूज बिकॉज दे आर गोइंग टू द कंट्री विच दे डू नॉट नो, सो दे आर कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, सो दे आर, दैट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक सिचुएशन. सो उनकी जो बेसिक स्टोरीज का जो थीम होता था वो जनरली ऐसी थीम होती थी जो कि पीपल जो कि दूसरे कंट्रीज में या दूसरे स्टेट्स में जाकर रहते हैं जो कि उनका ओरिजिन नहीं है. The Third and Final Continent by Jhumpa Lahiri is a story of a Bengali man who went abroad for his studies then for his job. And this is a story of Mrs. Croft, from whom the speaker or the narrator has taken room on rent. And what happened in the story, let's discuss. So let's start the story, The Third and Final Continent by Jhumpa Lahiri. I left India in 1964 with a certificate in commerce and the equivalent in those days of $10 to my name. So the narrator is telling that he had left India. उन्होंने 1964 में इंडिया छोड़ दिया था. उनके पास उस समय कॉमर्स का सर्टिफिकेट्स था एंड उसी के इक्विवेलेंट डिग्रीज थी और $10 उनके पास थे उनकी पॉकेट में. फॉर 3 weeks आई सेल्ड ऑन द SS रोमा, एन इटालियन कार्गो वेसल, इन अ थर्ड क्लास केबिन नेक्स्ट टू द शिप्स इंजन, अक्रॉस द अरेबियन सी, द रेड सी, द मेडिटेरियन सी एंड फाइनली टू इंग्लैंड. और जो नरेटर है वो 3 weeks जो SS रोमा जो इटालियन कार्गो है, इटालियन शिप है, वेसल है, बहुत वेसल मीन्स लार्ज बोट होती है, लार्ज जो बोट है उसमें थर्ड क्लास कैबिन जो कि शिप के इंजन के पास था उससे उसके अंदर अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए वो फाइनली इंग्लैंड पहुँचते हैं. I lived in North London in Finsbury Park in a house occupied entirely by penniless Bengali bachelors like myself. At least a dozen and sometimes more, all struggling to educate and establish ourselves abroad. Or वो नॉर्थ लंदन में रहने लगे इन फिंसबरी पार्क में, और जिस हाउस में वो रहते थे वो बहुत सारे बंगाली बैचलर्स से भरा हुआ था जो कि पेनीलेस थे. पेनीलेस मीन्स विदाउट हैविंग मनी, जिनके पास ज़्यादा मनी नहीं होती है वो थे. उसके बाद और एटलीस्ट उस हाउस में डजन या उससे भी ज़्यादा लोग रहते थे और ऑल वर स्ट्रगलिंग टू एजुकेट, एजुकेशन के लिए और ख़ुद को एस्टेब्लिश करने के लिए अब्रॉड में स्ट्रगल कर रहे थे.
I attended lectures at the ILSC and worked at the university library to get by. और वहाँ वो LSC में अपने lectures attend करते थे और university library में work करते थे. अब to get by means काम करते थे for his earning, अपनी earning के लिए library में work करते थे. We lived 3 or 4 to a room, shared a single IZ toilet and took turns cooking pots of egg curries which we ate with our hands on a table covered with newspaper. और वहाँ वो जहाँ पर रहते थे उस रूम में 3 or 4 persons रहते थे और वो एक ही सिंगल आईसी टॉयलेट को शेयर करते थे और टर्न बाय टर्न कुकिंग करते थे, जो कि एग करीब भी बनाते थे पॉट में और वो उन्हें अपने हाथों से ऐसी टेबल पे रख कर खाते थे जो कि न्यूज़पेपर से कवर्ड थी. अपार्ट फ्रॉम आर जॉब्स वी हैड फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हमारी जॉब्स के अलावा भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. On weekends we launched barefoot in drawstring pajamas, drinking tea and smoking Rothmans or set out to watch cricket at Lord's. Weekends में हम launch means जो rest करने का जो room होता था उसमें रहते थे launch में, और जो barefooted drawstring pajama जो खींचने वाला जो lower होता है, जो stretchable lower होता है, उसके लिए कहा गया है. हम weekends में एक launch में रहते थे, वहाँ पे हम हमारे drawstring pajama पहन के नग्गे पाँव barefooted घूमते थे, tea drink करते थे, smoking करते थे Rothmans को, और लॉर्ड्स में क्रिकेट देखने निकल जाते थे. तो वीकेंड्स में वो एंजॉय करते थे. सम वीकेंड्स द हाउस वॉज क्रैम्ड विथ स्टिल मोर बंगालीज टू होम वी हैड इंट्रोड्यूस्ड आर सेल्फ एट द ग्रीन ग्रोसर और ऑन द ट्यूब एंड वी मेड येट मोर एग करी एंड प्लेड मुकेश ऑन अ ग्रंडिंग रील टू रील एंड सोक्ड आर डर्टी डिशेज इन द बाथटब. और कुछ वीकेंड्स को हमारे यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा बंगालीज आते थे. क्रैम्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा या भरपूर, जिसकी बात करते हैं बहुत ज़्यादा भर जाता था हमारा जो रूम है, क्रैम्ड हो जाता था. बहुत ज़्यादा बंगालीज हमारे यहाँ रहने आते थे, जो कि जिन्हें हम इंट्रोड्यूस हुए थे ग्रीन ग्रोसर शॉप्स पे या ट्यूब्स में, और हम उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एग कड़ी बनाते थे. हम ज़्यादा एग कड़ी बनाते थे और हम जो रील टू रील जो ग्रंज होता है उस पे मुकेश के सॉन्ग प्ले करते थे, ओल्ड सॉन्ग मुकेश के प्ले करते थे. जो इंस्ट्रूमेंट होता था, जो ग्रामोफोन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पे सॉन्ग प्ले करते थे एंड सॉक्ड आर डर्टी डिशेज इन द बाथटब. और जो हमारी जो खाना खाने के बाद, एग करी खाने के बाद जो डर्टी डिशेज होती थी, जो जूठे बर्तन होते थे, वो हम बाथटब में भिगो देते थे उस, और हम पूरे दिन इंजॉय करते थे. एवरी नाउ एंड देन समवन इन द हाउस मूव्ड आउट टू लिव विद द वुमेन हुम हिज फैमिली बैक इन कोलकाता हैड डिटरमाइंड ही वॉज टू वेड. और कभी हमेशा कभी अभी कभी बाद में कभी पहले हाउस से कुछ पर्सन्स अपने घर को जाते थे कलकत्ता में, जहाँ पर उनकी फैमिली ने उनके लिए वुमेन या लेडी सेलेक्ट कर रखी होती थी टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए लेडी चूज़ कर रखी होती थी, और वहाँ पर वो अपनी शादी के लिए नाउ एंड देन कुछ फैमिली में कुछ जो मेंबर्स थे वहाँ उनके हाउसेस के अपार्टमेंट के, वो वहाँ अपने कोलकाता सिटी में मैरिज के लिए जाते थे. इन 1969 व्हेन आई वाज 36 year old माई ओन मैरिज वॉज अरेंज. और जब जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि जब वो खुद 1969 में 36 year old हुए तो उनकी फैमिली ने भी उनके लिए एक मैरिज अरेंज कर दी. अराउंड द सेम टाइम आई वॉज ऑफर्ड अ फुल टाइम जॉब इन अमेरिका इन द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी एट MIT. और उसी समय में उन्हें एक फुल टाइम जॉब अमेरिका में ऑफर हुई थी, जो कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट था लाइब्रेरी का MIT में, वहाँ उन्हें जॉब ऑफर हुई थी. द सैलरी वॉज जनरस इनफ टू सपोर्ट अ वाइफ. और जो सैलरी थी वो इतना इनफ थी कि वो खुद की और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके. एंड आई वॉज ऑनर टू बी हायर्ड बाय अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी एंड सो आई ऑप्टेंड अ 6th प्रेफरेंस ग्रीन कार्ड एंड प्रिपेयर टू ट्रैवल
फादर स्टिल, और जो वो बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हुए थे कि उनको एक ऐसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी के द्वारा जॉब दी गई थी। सो उन्होंने एक सिक्स प्रेफरेंस ग्रीन कार्ड लिया और अपनी ट्रैवलिंग के लिए तैयारी करने लगे, प्रिपरेशन करने लगे। बाय नाउ आई हैड इनफ मनी टू गो बाय प्लेन, और अब तक उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया था कि वो प्लेन से जा सकें। आई फ्लू फर्स्ट टू कलकत्ता टू अटेंड माई वेडिंग एंड अ वीक लेटर आई फ्लू टू बॉस्टन टू बिगिन माई न्यू जॉब। पहले उन्होंने कोलकाता की फ़्लाइट ली जहाँ पे उन्होंने अपनी वेडिंग अटेंड करी, और उसके एक वीक बाद वो बॉस्टन की फ़्लाइट में गए टू बिगिन हिज न्यू जॉब। ड्यूरिंग द फ्लाइट आई रेड द स्टूडेंट गाइड टू नॉर्थ अमेरिका, अ पेपरबैक वॉल्यूम दैट आई वुड बॉट बिफोर लीविंग लंदन। और जो ड्यूरिंग उनकी फ़्लाइट के दौरान उन्होंने स्टूडेंट गाइड पढ़ी जो कि नॉर्थ अमेरिका का पेपर था, और एक पेपर बैग, एक बहुत ही ज़्यादा पेपर, एक वॉल्यूम थी, मतलब एक बहुत बड़ी बुक थी, मोटी सी बुक थी जिन्हें उन्होंने पढ़ा था, जिसे कि उन्होंने लंदन जाने से पहले परचेस किया था फॉर सेवन, लंदन छोड़ने से पहले जिसे उन्होंने परचेस किया था फॉर सेवन शीलिंग सिक्स पेंस ऑन टोटहम कॉट रेड फॉर। और वो बुक थी, वो जो परचेस करी थी वो 7 शिलिंग 6 पेंस की थी, और जो कि उन्होंने टोटनहम कोट रेड में ली थी। ऑल दो आई वॉज नो लॉन्गर अ स्टूडेंट आई वॉज ऑन अ बजट ऑल द सेम, ऑल दो ही वॉज नॉट स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट नहीं रह गए थे बट उनका बजट हमेशा की तरह कम ही रहता था, ज़्यादा नहीं था एक्सपेंस करने के लिए। I learned that American drove on the right side of the road, not the left, and they called a lift an elevator and an engage phone busy. और उन्होंने ये भी लर्न कर लिया था कि जो अमेरिकन्स होते हैं वो राइट साइड में ड्राइविंग करते हैं और नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। इंडिया में जो ड्राइविंग होती है वो लेफ्ट साइड में होती है और जबकि अमेरिका में राइट साइड में होती है, और वो लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं और वो एंगेज फोन को बिजी बोलते हैं। उन्होंने ये सब चीज़ें सीख ली थी। द पेज ऑफ लाइफ इन नॉर्थ अमेरिका इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटेन एज यू विल सून डिस्कवर। और जो नॉर्थ अमेरिका में जो लाइफ स्टाइल थी वो ब्रिटेन की लाइफ स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा अलग थी, जो कि ऑथर कह रहे हैं, नरेटर कह रहे हैं कि वो जल्दी ही हमें पता चल जाएगा। द गाइड बुक इन्फॉर्म्ड मी एवरीबडी फील्स ही मस्ट गेट टू द टॉप, डोंट एक्सपेक्ट एन इंग्लिश कप ऑफ टी। तो गाइड बुक उन्होंने उनको सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था कि अमेरिका की लाइफ ब्रिटेन की लाइफ से डिफरेंट थी, और हर कोई जो फील करता है वो भी फील कर रहे थे कि ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो इंग्लिश है उनकी कप ऑफ टी नहीं थी, वो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। As the plane began its descent over Boston Harbor, और जैसे ही प्लेन उड़ने लगा, प्लेन टेक ऑफ किया टू द बॉस्टन हार्बर, द पायलट अनाउंस द वेदर एंड टाइम, और पायलट ने उसी समय वेदर और टाइमिंग अनाउंस करी, एंड द प्रेजिडेंट निक्सन हैड डिक्लेयर्ड अ नेशनल हॉलीडे टू अमेरिकन मैन हैड लैंडेड ऑन द मून। और जिस दिन उनका जो प्लेन अमेरिका में लैंड हुआ था, बॉस्टन में लैंड हुआ था, पायलट ने अनाउंस किया था वेदर और टाइम, और उसी दिन वहाँ के प्रेजिडेंट थे सन, उन्होंने भी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया था, क्योंकि जो टू अमेरिकन्स थे वो उन्होंने मून पे लैंड किया था। सेवरल पैसेंजर्स चीयर्ड, बहुत सारे पैसेंजर्स ने इसके लिए अपनी खुशी जाहिर की थी। गॉड ब्लेस अमेरिका वन ऑफ देम हॉलर्ड, और उनमें से एक चिल्लाया, हॉलर्ड में शाउटिंग, जो बहुत ही ज्योति की शाउटिंग होती है वो करी थी, चिल्लाया अक्रॉस द एजली आई सो वुमेन रोइंग। अक्रॉस द एजली मीन्स अक्रॉस द पैसेज, जो पैसेज था उस प्लेन का, उसके अंतर्गत जो एक वुमेन जोर से चिल्लाई गॉड ब्लेस अमेरिका, आई सो वुमेन प्रेइंग, वुमेन वहाँ पे प्रे करी थी। आई स्पेंड माई फर्स्ट नाइट एट द YMCA इन सेंट्रल स्क्वायर कैम्ब्रिज, और उन्होंने जो अपनी फर्स्ट नाइट थी अमेरिका में वो YMCA में गुजारी थी, सेंट्रल स्क्वायर में जो कि कैम्ब्रिज में था। एन इनएक्सपेंसिव अकोमोडेशन रिकमेंडेड बाय माई गाइड बुक, बहुत ही कम एक्सपेंसिव अकोमोडेशन जगह उन्हें मिल गई थी जो कि उनके गाइड बुक के जरिए उन्हें पता चली थी।
इट वॉज़ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम MIT, वो बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थी MIT के, दूर नहीं थी वो प्लेस, एंड स्टेप्स अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड अ सुपर मार्केट कॉल्ड प्योरिटी सुप्रीम, और कुछ ही दूरी पे पोस्ट ऑफिस था और कुछ ही दूरी पे सुपर मार्केट था जिसका नाम था प्योरिटी सुप्रीम. द रूम कंटेंड अ कॉट, अ डेस्क एंड अ स्मॉल वुडन क्रॉस ऑन द वॉल, और जो रूम में एक कॉट थी, कॉट मतलब स्मॉल सा जो बेड जिसे हम चारपाई कहते हैं, बेड था, एक डेस्क थी और एक स्मॉल वुडन क्रॉस था जो कि वॉल पर लगा हुआ था. अ साइन ऑन द डोर सेट कुकिंग वॉज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, और डोर पे एक साइन लगा हुआ था जिसमें लिखा गया था कि कुकिंग स्ट्रिक्टली मना है, फॉरबिड है. अ बेयर विंडो ओवरलुक्ड मैनचेस्टर एवेन्यू, अ मेजर थ्रू फेयर विद ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन, और जो एक खाली सी विंडो थी उसके बाहर जो देखने से मैनचेस्टर एवेन्यू दिखता था जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आता था उस रोड के दोनों डायरेक्शन में, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडी एरिया था जहाँ पे ट्रैफिक पूरे दिन भर घूमता रहता था या रन करता रहता था. कार हॉर्न शेल्स एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लेयर्ड वन आफ्टर अनदर, कार हॉर्न सुनाई देते थे, इसके अलावा कार हॉर्न शिलिंग की आवाज़ सुनाई देती थी. प्रोलॉन्ग मीन्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कार हॉर्न्स और बहुत तीखी तीखी नॉइज़ सुनाई देती थी. ब्लेयर्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक नॉइज़ उन्हें सुनाई देती थी. फ्लैशिंग सीरेंस, हेयरलेडेड एंडलेस एमरजेंसीज एंड अ फ्लीट ऑफ बसेज रंबल्ड पास, देयर डोर्स ओपनिंग क्लोजिंग विद अ पावरफुल हिस थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात फ्लैशिंग सीरेंस मीन्स सायरन, सीरेंस मीन्स सायरन की जो आवाज़ थी वो सुनाई लेती जो कि एंडलेस थी, जैसे कि इमरजेंसी में कोई बजा रहा हो. बसेस का रंबल था, बसेस इधर उधर मूव करती रहती थी, उनके डोर ओपन और क्लोज होते रहते थे जैसे कि कोई पावरफुल एंगर शो कर रहा हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में जो लॉन्ग नॉइज़ होती है वो शो करती हुई बसेस के डोर्स क्लोज और ओपन होते रहते थे पूरी रात भर. तो जो नरेटर है वो कहना चाह रहे हैं कि जिस एरिया में जो हाउस मिला था वो बहुत ही क्राउडी एरिया था और जो विंडो थी उनसे जो ट्रैफिक की बहुत सारी नॉइजेस सुनाई देती थी, बहुत ज़्यादा शाउटेड नॉइज सुनाई देती थी जैसे कोई गुस्से में शोर कर रहा हो. द नॉइज़ वॉज कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग, और जो नॉइज़ थी उनको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रहती थी, और एट टाइम सफोकेटिंग, और कुछ टाइम उनको सफोकेटिंग भी लगती थी. आई फेल्ट इट डीप इन माई रिब्स, और उन्हें ऐसा फील होता था कि वो अंदर तक इस सफोकेशन को, इस डिस्ट्रैक्शन को जो कि नॉइज़ होता था ट्रैफिक की वजह से, उसे फील कर सकते थे. डीप इन माई रिब्स मीन्स पूरे अंदर तक फील कर देते थे, पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक उन्हें फील होता था कि इतनी इरिटेटिंग नॉइज़ थी. जस्ट एज आई हैड फेल्ट द फ्यूरियस रन ऑफ द इंजन ऑन द SS रोमा, वो सेम ऐसा ही फील करते थे जो कि उन्होंने जो SS रोमा जो बोट थी, शिप थी जिसमें वो आए थे और जिस इंजन के पास बैठे थे उसकी जो नॉइज़ होती थी, जो हमिंग साउंड कंटिन्यू होता था, जो इंजन का जो साउंड आता है हमिंग, वो कंटिन्यू उन्हें सुनाई देता था, वैसा ही वो इस यहाँ इस रूम के, जिस रूम में वो अभी रह रहे थे उस रूम के बाहर की नॉइजेस के साथ उन्हें फील होता था. बट देयर वॉज No ship's deck to escape to, no grating oceans to thrill my soul, no breeze to cool my face, no one to talk to. बट यहाँ पे ऐसी कोई शिप की तरह कोई डेस्क नहीं थी जिससे मैं जाके इस आवाज़ से बच सकूँ, कोई ग्लिटरिंग ओशन नहीं था जो कि मेरी सोल को थ्रिल कर सके, कोई कूल ब्रीज नहीं थी जो मेरे फेस को छू कर जा सके, और कोई व्यक्ति नहीं था जिससे मैं बात कर सकूँ. मीन्स जो नरेटर है वो कहना चाह रहे हैं कि शिप में तो फिर भी उन्हें ओशन देखने को मिलता था, या वो डेस्क पे डेक पे जाके खड़े हो जाते थे, कूल ब्रीज उन्हें मिल जाती थी, बट यहाँ पर तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, एक सफोकेटिंग सा रूम था जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉइज होती थी. आई वॉज टू टायर्ड टू प्ले पेस द गूमी कॉरिडर्स ऑफ द YMCA इन माई ड्रॉस्टिंग पजामास, और वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करते थे इस YMCA कॉरिडोर में, जो कि वो उनके ड्रॉस्टिंग पजामा, जो मूवेबल या स्ट्रेचेबल जो पजामा था जिसमें पहनकर फिर भी वो टायर्ड फील करते थे. इंस्टेड आई सेट एट द डेस्क एंड स्टार्ट
stared out the window at the City Hall of Cambridge and a row of small shops. इंस्टेड ऑफ उसके उस विंडो के देखने की बजाय इस डेस्क पे बैठ के विंडो के बाहर घूरते हुए जो सिटी हॉल ऑफ कैम्ब्रिज था जहाँ पे रो ऑफ स्मॉल शॉप्स थी उसको देखना पसंद करते थे. इन द मॉर्निंग आई रिपोर्टेड टू माई जॉब एट द डीवी लाइब्रेरी अ बिज फोर्ट लाइक बिल्डिंग बाय मेमोरियल ड्राइव. और जो नेक्स्ट मॉर्निंग है वो उन्होंने अपनी जॉब के लिए रिपोर्ट किया डीवी लाइब्रेरी में जो कि बिज मीन्स इन कलर जो कलर था उसका फोर्ट लाइक था. जो शेप थी जो डिज़ाइन थी वो किले के आकार के उसकी थी और उस किले फोर्ट में जिस तरह के रंग यूज़ कलर यूज़ किए जाते हैं उसकी अकॉर्डिंग उसमें कलर्स थे जो कि मेमोरियल ड्राइव पे थी. आई ऑल्सो ओपन्ड अ बैंक अकाउंट रेंटेड अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड बॉट अ प्लास्टिक बाउल एंड अ स्पूल एट वूलवर्थ्स अ स्टोर हुज नेम आई रिकॉग्नाइज फ्रॉम लंदन. और उन्होंने एक अपना वहाँ पे बैंक अकाउंट खोला पोस्ट ऑफिस बॉक्स लिया रेंट पे और एक प्लास्टिक बॉल खरीदा और एक स्पून खरीदी जो कि वो वूल्सवर्थ शॉप से खरीदी जिसका नाम उन्होंने लंदन में पहले ही गाइड बुक्स में पढ़ लिया था. I went to Purity Supreme, wandering up and down the aisles, converting ounces to grams and comparing prices to things in England. और उसके बाद वो Purity Supreme market में गए. He was wandering up and down. वो ऊपर नीचे move कर रहे थे. एसेल्स मीन्स वहाँ के जो पैसे थे वहाँ पे अप एंड डाउन मूव कर रहे थे जो और ओंस टू ग्राम्स में काउंट कर रहे थे और वहाँ की प्राइस को इंग्लैंड की प्राइस से कंपेयर कर रहे थे. इन द एंड आई बॉट अ स्मॉल कार्टन ऑफ मिल्क एंड अ बॉक्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स. और एंड में उन्होंने एक मिल्क का कार्टन खरीदा और एक कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स खरीदा. This was my first meal in America. और यह उनका अमेरिका में फर्स्ट मील था. I ate it all my desk. और वो मैं अपनी डेस्क पर बैठ कर खा गया. I preferred it to hamburgers or hot dogs. The only alternative I could afford in the coffee shops on Manchester Avenues. और वो जो अफोर्ड कर सकते वो प्रेफर करते थे हैमबर्गर्स और हॉट डॉग्स क्योंकि यही अल्टरनेटिव था जो कि वो कॉफ़ी शॉप में जो कि मैनचेस्टर एवेन्यू में थी वहाँ लेकर वो खा सकते थे या अफोर्ड कर सकते थे. बिसाइड्स एट द टाइम आई हैड येट टू कंज्यूम एनी बीफ. और इससे पहले उन्होंने कोई बीफ भी कंज्यूम नहीं किया था. Even the simple chore of buying milk was new to me. मीन्स जो नरेटर है वो कहना चाह रहे हैं कि हैमबर्गर हॉट डॉग्स जो वो उसको भी प्रिफर नहीं कर पा रहे थे मैनचेस्टर एवेन्यू शॉप को या एवेन्यू जो प्लेस है उस पर और वो अपना वो ना तो उससे पहले उन्होंने कोई बीफ खाया था तो उसे भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे. उनके लिए जो ये सिंपल ये भी बाइंग मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स ही भी एक सिंपल मील था क्योंकि इससे पहले वो इन्हें भी नहीं खाते थे. In London, we had bottles delivered each morning to our doors. So London में क्या होता था कि जो bottles हैं milk की वो उनके houses पे doors पे deliver कर दी जाती थी. तो यहाँ पे जो narrator हैं वो वहाँ के food को describe कर रहे हैं कि कैसा food वो prefer कर सकते थे और किस तरह का food वो prefer नहीं कर पाते थे. In a week, I had adjusted more or less. एक वीक तो उन्होंने adjust किया कभी ज़्यादा कभी कम. I ate cornflakes and milk morning and night and brought some bananas for variety. वो सुबह शाम cornflakes eat करते थे और bananas खाते थे variety के लिए. Slicing them into the bowl with the edge of my spoon. जिसका slice करके वो bowl में रखते थे क्योंकि उनके पास knife नहीं था तो वो spoon की जो edge है उससे ही banana को cut करते थे. तो जो generator है उनका food जो वहाँ पे सिर्फ milk और cornflakes का होता था वो बाकी जो expensive food हैं जिसके लिए जो generator ने describe किया है जैसे hamburgers हैं hot dogs हैं या beef हैं वो consume नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था.
इन एडिशन आई बॉट टी बैग्स एंड अ फ्लैस्क, और उसी एडिशन में उन्होंने एक टी बैग और फ्लैस्क ख़रीदा. फ्लैस्क मीन्स अ काइंड ऑफ अ बॉटल, जो एक छोटी सी थर्मस टाइप की जो बॉटल होती है उसे क्या उसे कहते हैं फ्लैस्क, उसको फ्लैस्क कहा जाता है, थर्मस काइंड ऑफ अ बॉटल को. विच द सेल्समैन सेड वुड्स वाज रेफर्ड टू एज अ थर्मस, और जो कि वहाँ का जो वुड्स का जो सेल्समैन था उसे थर्मस से इंट्रोड्यूस किया था. अ फ्लैक्स ही इन्फॉर्म मी वॉज यूज टू स्टोर विस्की, और जो फ्लैक्स था जो सेल्समैन था उसने नरेटर को इन्फॉर्म किया कि वो इस विस्की स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. अनदर थिंग आई हैड नेवर कंज्यूम, और ये दूसरी बहुत दूसरी चीज़ें थी जिसे नरेटर ने कंज्यूम नहीं किया था, मतलब वो ही डिड नॉट ड्रिंक एवर. For the price of one cup of tea at a coffee shop, I fill the flask with boiling water on my way to work each morning and brewed the 4 cups I drank in the course of day. और जो वहाँ की वो जो एक कप टी की जो प्राइस थी कॉफ़ी शॉप में, उसकी बजाय वो अपनी जो फ्लास्क है उसको बॉइलिंग वाटर से भर लेते थे हर मॉर्निंग को, और उससे वो 4 cups जो कॉफ़ी है वो 4 cups टी बनाकर पूरे दिन भर में पी लेते थे. मतलब वहाँ पे टी और कॉफ़ी भी इतनी एक्सपेंसिव होती थी, तो उसके कंपैरेटिवली जो नरेटर है खुद ही कॉफ़ी बनाकर पी लेते थे और टी बनाकर पी लेते थे. आई बॉट अ लार्जर कार्टून ऑफ मिल्क एंड लर्न टू लीव इट ऑन द शेडेड पार्ट ऑफ द विंडो शेल, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मिल्क का कार्टन परचेस कर लिया था, और उन्होंने ये भी लर्न कर लिया था कि जो उस कार्टन को विंडो जो शेल है उसके शेडेड पार्ट में रखना चाहिए. एज आई हैड सीन अनदर रेजिडेंट एट द YMCA डू, जैसा उन्होंने YMCA के दूसरे रेजिडेंट को करते हुए देखा था. To pass the time in the evening, I read the Boston Globe downstairs in a spacious room with stained glass window. और उनका टाइम पास करने के लिए इवनिंग में वो बॉस्टन ग्लोबल पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे डाउनस्टेयर में, एक ऐसा स्पेशियस रूम था जिसके स्टेन्ड ग्लासेस विंडो थे, उसमें जाके वो रीडिंग करते थे. आई रीड एवरी आर्टिकल एंड एडवर्टाइजमेंट सो दैट आई वुड ग्रो फैमिलियर विथ थिंग्स, वो हर आर्टिकल और हर एडवर्टाइजमेंट पढ़ते थे जिससे कि वो फैमिलियर हो सके थिंग्स के लिए जो कि उनके लिए सारी नई थी. व्हेन माय आईज ग्रू टायर्ड आई स्लेप्ट, और जब उनकी आँखें थक जाती थी वो सो जाते थे. Only I did not sleep well. बस यही था कि वो अच्छे से सो नहीं पाते थे. He could not sleep properly. Each night I had to keep the window wide open. हर नाइट को उन्हें अपनी विंडो को खुला रखना पड़ता था. It was the only source of air in the stifling room. क्योंकि ये एक ऐसा ही सोर्स था जिससे कि एयर उनके रूम में आ सकती थी, उनके stifling में suffocating जो रूम था, क्योंकि उस रूम में सिर्फ एक ही विंडो थी तो वो ही एयर का सोर्स था. अदरवाइज उस विंडो को बंद कर दे तो सफोकेशन होता था, इसीलिए जो नरेटर है उसे वो रूम ओपन रखनी पड़ती थी. एंड द नॉइज वॉज इनटॉलरेबल, और जो नॉइज़ होता था क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि उस विंडो को खोलते ही वहाँ बाहर जो रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक था और उसकी जो नॉइज़ थी बहुत ज़्यादा शार्प होती थी, जो ऑथर जो नरेटर के लिए इनटॉलरेबल थी. I would lie on the cot with my fingers pressed into my ears, but when I drift off to sleep, my hands fell away and the noise of the traffic would wake me up again. और जब author अपनी cot पे सो जाते थे तो वो अपने कानों में अपनी finger को press कर देते थे, लेकिन जब author को नींद आ जाती थी, narrator को नींद आ जाती थी तो वो उनके हाथ वहाँ से हट जाते थे, और अगेन जब उनको ट्रैफिक की नॉइज़ सुन नहीं देती थी तो वो जग जाते थे, वेकअप हो जाते थे. पिजन्स फैदर्स ड्रिफ्टेड ऑन टू द विंडो सिल, एंड वन इवनिंग व्हेन आई पोर्ड मिल्क ओवर माय कॉर्नफ्लेक्स आई सो दैट इट हैड सोल्ड, और जो पिजन के जो फैदर्स थे वो उनकी विंडो के सिल में गिरे हुए रहते थे, और वन इवनिंग जब वो अपने कॉर्नफ्लेक्स में मिल्क
डाल रहे थे तो उन्हें देखा था, इट वॉज सोल्ड, मतलब वो ख़राब हो चुका था। नेवर द लेस आई रिसॉल्व टू स्टे एट द YMCA फॉर 6 weeks। फिर भी मैंने YMCA में अपने 6 weeks गुजार लिए थे, अनटिल माई वाइफ्स पासपोर्ट्स एंड ग्रीन कार्ड वर रेडी। जब तक कि मेरी वाइफ का जो पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड रेडी नहीं हो गया था, तब तक मैंने 6 weeks YMCA में स्पेंड कर दिए थे। वंस शी अराइव्ड आई वुड हैव टू रेंट अ प्रॉपर अपार्टमेंट एंड सो फ्रॉम टाइम टू टाइम आई स्टडीड द क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर और स्टॉप्ड इन एट द हाउसिंग ऑफिस एट MIT ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक टू सी वॉट वॉज अवेलेबल इन माई प्राइस रेंज। क्योंकि वंस शी विल रीच टू द अमेरिका, जब वो एक बार अमेरिका पहुंच जाएगी तो उनको प्रॉपर अपार्टमेंट चाहिएगा रेंट पे, जो कि जिसके लिए वो टाइम टू टाइम क्लासिफायर सेक्शन में न्यूज़पेपर के पढ़ते रहते थे और स्टॉप्ड इन एट द हाउसिंग ऑफिस, और MIT का जो हाउसिंग ऑफिस था वहाँ पर रुक कर वो लंच ब्रेक में उसे वहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते थे टू सी वॉट वॉज अवेलेबल इन माई प्राइस रेंज, ये देखने के लिए जो उनकी प्राइस थी, उनकी जो रेंज थी, जितना वो रेंट पे कर सकते थे, उसमें कैसा रूम कहाँ पर उन्हें अवेलेबल हो सकता है। इट वॉज इन दिस मैनर दैट आई डिस्कवर्ड अ रूम फॉर इमीडिएट ऑक्यूपेंसी इन अ हाउस ऑन अ क्वाइट स्ट्रीट, द लिस्टिंग सेट फॉर $8 पर फीक। और इसी मैनर में क्लासिफाइड कॉलम में और MIT के हाउसिंग ऑफिस में उन्हें एक दिन ऐसा उन्होंने एक दिन डिस्कवर किया एक रूम है जो कि जिसमें इमीडिएट ऑक्यूपेंसी चाहिए, जो कि एक क्वाइट सी स्ट्रीट में हाउस है, और जो लिस्ट थी उसमें कहा गया था कि जो $8 पर वीक उसका रेंट होगा उस रूम का, जो कि क्वाइट स्ट्रीट में था। I copied the number into my guidebook and dialed from my pay telephone। और उन्होंने ये नंबर अपनी गाइडबुक में कॉपी किया और पे टेलीफोन से नंबर डायल किया। Sorting through the coins with which I was still unfamiliar, smaller and lighter than shillings। और ऐसे उन कॉइन्स में सॉर्टिंग करते हुए ढूंढते हुए कि बिकॉज जो नरेटर थे वो अभी तक उन कॉइन्स से फेमिलियर नहीं थे, तो वो कुछ स्मॉलर थे, कुछ लाइटर थे शीलिंग से, और हैवी और ब्राइटर थे पैसे से। पैसे से तो वो हैवी और ब्राइटर थे, लेकिन शीलिंग से स्मॉलर और लाइटर थे, जिनसे अभी तक नरेटर फैमिलियर नहीं हुए थे। उन कॉइन से उन्होंने पे टेलीफोन पर डायल किया। हु इज स्पीकिंग, अ वुमन डिमांडेड, हर वॉइस वॉज बोल्ड एंड क्लेमरस। एक वुमेन की नॉइज आती है कि हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हर वॉइस वॉज बोल्ड, उनकी जो वॉइस थी वो बोल्ड थी एंड क्लैमरस। क्लैमरस मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो तीखी कोलाहल माए मतलब शाउटिंग तेज जो नॉइज़ होती है उसे कहते हैं, वो उस आवाज़ में उन्हें सुनाई देती है। यस गुड आफ्टरनून मैडम, आई एम कॉलिंग अबाउट द रूम फॉर रेंट। और जो नरेटर है बोलते हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, ही हैज़ कॉल्ड फॉर अ रूम ऑन रेंट। हार्वर्ड और टेक, आई बेग यू पार्डन, आर यू फ्रॉम हार्वर्ड और टेक। और दूसरी तरह से आवाज़ आती है कि तुम हार्वर्ड से हो या टेक से हो, तो ऑथर जो नरेटर है वो समझ नहीं पाते हैं, देन वो कहते हैं कि ही इज सॉरी फॉर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। एंड अगेन द लेडी स्पीक्स, आर यू फ्रॉम हार्वर्ड और टेक, अब तुम हार्वर्ड से हो या टेक से हो। गैदरिंग दैट टेक रेफर टू द Massachusetts Institute of Technology, I replied, I work at JV Library। उन्हें जैसे ही समझ में आया कि जो टेक है वो मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्क करने के लिए बोला जाता है, सो जो नरेटर है उन्होंने रिप्लाई किया कि वो DV लाइब्रेरी में वर्क करते हैं। एंड एडिंग टेंटेटिवली वो आगे उसके आगे ऐड करते हुए बोलते हैं कि और वो टेक है। I was given an address and appointment for 7 o'clock that evening। और मुझे वहाँ का एड्रेस और अपॉइंटमेंट दिया गया जो कि उस डे की 7 o'clock था, इवनिंग के टाइम का। 30 minutes before the hour I set out my guidebook in my pocket, my breath fresh with listening।
और वो जो 30 मिनट्स पहले वो वहाँ से अपने जॉब वर्क से निकल गए, अपनी पॉकेट में अपनी गाइड बुक को रखा, अपनी जो लिस्ट्रिन से अपनी माउथ को फ्रेश किया, अपनी ब्रीथ को फ्रेश करने के लिए उन्होंने लिस्ट्रिन का यूज़ किया। आई टर्न डाउन अ स्ट्रीट शेडेड विद ट्रीज परपेंडिकुलर टू मैनचेस्टर एवेन्यू, और वो एक ऐसी स्ट्रीट में जाने लगे जहाँ पे शेडेड ट्रीज थे और जो कि परपेंडिकुलर मीन्स डायरेक्ट था, सीधा सा डायरेक्ट वे था, सीधा रास्ता था टू मैनचेस्टर एवेन्यू का। स्ट्रे ब्लेड्स ऑफ ग्रास पोक्ड बिटवीन द क्रैक्स ऑफ द फुटपाथ, और जो ग्रास के जो शार्प ब्लेड्स टाइप जो कॉर्नर्स थे वो जो फुटपाथ थे उनके क्रैक्स में भरे हुए थे। इन स्पाइट ऑफ द हीट आई वोर अ कोट एंड अ टाई रिगार्डिंग द इवेंट एज आई वुड एनी अदर इंटरव्यू, और बहुत ज़्यादा हीट के बावजूद जो नरेटर है उन्होंने कोट और टाई पहन रखा था उस इवेंट को, ऐसा रिगार्डिंग उस इवेंट को ऐसा मान रहे थे जैसे कि वो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हों। आई हैड नेवर लिव्ड इन द रूम ऑफ अ पर्सन हु वॉज नॉट इंडियन, क्योंकि इससे पहले वो एक ऐसे रूम में नहीं रहते जो कि इंडियन नहीं था। द हाउस सराउंडेड बाई अ चेन लिंक फेंस वॉज ऑफ वाइट विद डार्क ब्राउन ट्रिम, और जो हाउस था वो चेन की जो फेंस थी, जो चेन की जो फेंस बनी हुई होती है उनसे सराउंडेड था, जो कि ऑफ वाइट विद डार्क ब्राउन ट्रिम में थी। जो हाउस की सराउंडिंग्स की बात यहाँ नरेटर कर रहे हैं कि वो हाउस के चारों तरफ चेन लगी हुई, चेन की फेंस बनी थी हुई जो कि ऑफ वाइट विद डार्क ब्राउन कलर में थी। अनलाइक द स्टुको रो हाउसेज आई वुड लिव इन लंदन, दिस हाउस फुली डिटेच वॉज कवर्ड विथ वुडन शिंगल्स, और पहले जिस तरह के हाउस स्टुको रो हाउसेस में एक ही लाइन में सेम तरह के जो हाउसेस बने हुए होते हैं उन्हें कहते हैं स्टुको रो हाउसेस, क्योंकि फॉरेन में ज़्यादातर ऐसे ही हाउसेस होते हैं कि सेम रो में सिमिलर वे में बने हुए हाउसेस होते हैं, जो कि वो लंदन में रहते थे। वो ये जो हाउस था वो बिल्कुल उनसे अलग था एंड वॉज कवर्ड विद वुडेड शिंगल्स, और जो कि वुडेड जो वुड की टाइल्स थी, शिंगल्स मीन्स टाइल्स, उससे कवर था। With a tangle of forsythia bushes plastered against the front and side, and जो कि forsythia पीले रंग के फूल की झाड़ियों, forsythia bushes में जो येलो कलर की जो bushes होती उससे घिरा हुआ था आगे, और उसके आगे फ्रंट और साइड में प्लास्टर था। When I pressed the calling bell, the woman with whom I had spoken on the phone hollered from what seemed to be just the other side of the door, और जैसे ही उन्होंने उस हाउस की जो बैल है, कॉलिंग बैल है, उसे प्रेस किया वहाँ दूसरी साइड से वुमेन की जिससे कि उन्होंने बात करी थी, वो हॉलर्ड मतलब शाउट करते हुए सुनाई दी। टू बी जस्ट द अदर साइड ऑफ द डोर, दूसरी डोर की साइड से उन्होंने तीखी तेज शोर वाली वुमेन की आवाज़ सुनी। वन मोमेंट प्लीज़, और क्या आवाज़ थी, वन मोमेंट, एक मिनट रुको। आज के वीडियो हम इतना ही करेंगे, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।